राजधानी रांची के नामकुम शनि मंदिर के पास मुंडागढ़ा गांव के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए, वहीं रांची पुरुलिया रोड को जाम कर दिया। इसके चलते सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। सड़क पर उतरे लोगों का कहना था कि उन लोगों के आने जाने का रास्ता को रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे बहुत दिक्कतें हो रही है। उनकी परेशानी को समझने वाला कोई नहीं, मजबूरन उन्हें रोड जाम करना पड़ा। बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में घोर दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को अस्पताल ले जाने में हो रही है। दूसरे रास्ते से बहुत दूरी तय करना पड़ता है। बारिश के मौसम में स्वर्ण रेखा नदी का उफान अलग से डराता है। राधा कृष्ण मंदिर के समीप छोटे पुल के ऊपर से पानी बहता है, लोग पुल भी पार नहीं कर सकते। आक्रोशित लोगों का कहना था कि इस बारे में वो लोग कई दफा रेलवे के छोटे बड़े अधिकारी को बता चुके हैं, वहीं स्थानीय सांसद और विधायक को भी सब कुछ बताया गया, पर उनकी परेशानी पर अब तक किसी ने गौर नहीं किया। वहीं जाम में फंसे लोगों का कहना था कि उनकी क्या गलती है, उन्हें इस भीषण गर्मी में धूप सेकना पड़ रहा है, इस वजह से नोक झोंक भी हुई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस के बहुत समझाने बुझाने के बाद रोड जाम हटा लिया गया। सुनिए क्या बोले सड़क पर उतरे लोग। जो रास्ता जो था यहाँ से जो हम लोग आना जाना करते थे, वो रास्ता जाम कर दिया गया है, मतलब ब्लॉक कर दिया। कल तक रास्ता खुला था, थोड़ा बहुत भी जगह हमको दिया गया आने जाने के लिए, आप देख रहे हैं कि वो भी ब्लॉक कर दिया गया, जिससे हम लोग को जितने भी हमारे ये हमारे बस्ती के लोग हैं उनको आने जाने में परेशानी हो रहा है। अब किस हर किसी तरह से हम लोग मतलब किधर से भी हम लोग को रास्ता नहीं नजर आ रहा है। ये आपकी समस्या है, रेलवे की समस्या, आम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे, हमारा मांग कोई सुन ही नहीं रहा। हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया हुआ है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मेरा कहना यही है, सरकार को यही गुजारिश है कि आप लाइन आप ठीक है, आप सेफ्टी के लिए ब्लॉक कर रहे हैं, अपना रास्ता सेफ्टी के लिए ब्लॉक कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप पब्लिक जो इतना जो हम है यहाँ पे, हम तो नहीं है, हमारा अपना गांव घर है, तो उनके लिए तो कम से कम रास्ता मुहैया कराना चाहिए। आम लोगों की क्या गलती है जो आप लोग इस तरह से भीषण गर्मी में जाम किए हुए हैं? अगर हम नहीं करें तो हमारा बात तो कोई सुनेगा ही नहीं, ऐसे तो सुन ही नहीं रहा, तो हम क्या करें, कहां जाएं? विभाग विभाग के कार्यालय जा सकते हैं, यहाँ के प्रतिनिधि के पास जाइए, जो सांसद है विधायक है, वो तो सुन ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, रास्ता ब्लॉक पे ब्लॉक किया जा रहा है, कम से कम उन लोगों को आने जाने का रास्ता दे रहे हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। आप अपना रेलवे का जनप्रित हुए हैं कि यहाँ हम लोगों को रास्ता ट्रेन वाले हमारे रास्ता को ब्लॉक कर दे रहे हैं। हमारा बहुत समस्या है, बरसात के दिनों में सबसे बड़ी समस्या है, नदी भर जाएगी, हमारे बच्चों को स्कूल इस पर लाने में प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम है, कोई मरीज है अगर कोई तुरंत तत्काल के लिए उसको अगर हम लोग इस पार से शॉर्टकट हम दो मिनट के लिए अगर हम इस पार दो मिनट हमारा आने में लगेगा हमको एक चक्कर लगाना पड़ेगा। ओहराम लाइव के लिए रांची से सीनियर रिपोर्टर अखिलेश की रिपोर्ट।